हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईडीबीआई बैंक के बारे में। क्या इस बैंक के स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं, आइए जानते हैं इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स क्या कहते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं आईडीबीआई बैंक के बेसिक्स क्या है। बीएससी पे ट्रेड कर रहा है 42.90, एनएससी पे 42.80। फेस वैल्यू की अगर बात करूँ तो 10 रुपये है इसके फेस वैल्यू। डिलीवरी क्वांटिटी बहुत ही कम, 22.46 है डिलीवरी क्वांटिटी। 33,000 करोड़ का मार्केट कैप बैंक का। पीई की बात करूँ तो निल, जबकि इंडस्ट्री पीई 9.46। ईपीएस कुछ भी नहीं है। ये क्यों नहीं है देखते हैं इसके फिनेंशियल्स में। फिनेंशियल्स की अगर बात करूँ तो इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट अर्न फॉल होता हुआ दिख रहा है। पिछले साल दिसंबर 2017 में 4,000 करोड़ था और अभी दिसंबर 2018 में 3,500 करोड़। ये लास्ट 5 क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, बट इंटरेस्ट अर्न फिर भी ठीक है, पर प्रॉब्लम एरिया कुछ और है। इंटरेस्ट पेड ज़्यादा है इंटरेस्ट अर्न से। सो बेसिकली नेट प्रॉफिट माइनस में है। पिछले साल 1500 करोड़ था और इस साल 4000 के आसपास दिसंबर क्वार्टर में। बात करूँ अगर ईपीएस की तो कंटिन्यूसली फॉल होते, -9। बट द प्रॉब्लम एरिया इज़ एनपीए। यहाँ पे अगर आप देखें क्रॉस एनपीए 29%, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। वहीं नेट एनपीए की बात करूँ वो भी 14%, ये भी काफ़ी ज़्यादा है बैंक के लिए। रिटर्न ऑन एसेट्स -5, जो कि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में -1.83 था, वो रिटर्न ऑन एसेट्स और फॉल हो गया है और -5.19 पे है। जबकि टोटल एसेट साइज़ काफ़ी अच्छा है, 3,50,000 करोड़, पर उस पर रिटर्न्स माइनस में है, तो इस वजह से बैंक पे काफ़ी दबाव है। अगर रिटर्न ऑन एसेट बढ़ता है तो बैंक को फ़ायदा होगा। मार्केट कैप की अगर बात करूँ तो सेकंड इन द लिस्ट आफ्टर एसबीआई बैंक, बट 42.80 आईडीबीआई बैंक बहुत ही अंडर वैल्यूड है अभी। अगर अपना लॉसेस थोड़ा कम करे, प्रॉफिट बढ़ाए, तो ये बैंक के शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर आ सकते हैं, वो हम आने वाले समय में देखेंगे। फंडामेंटल्स के हिसाब से अभी इस स्टॉक में निवेश करना नहीं चाहिए। टेक्निकल्स देखते हैं क्या है इसके सपोर्ट और क्या है इसके रेजिस्टेंस लेवल्स। आइए देखते हैं इसके टेक्निकल्स में। यह है आईडीबीआई बैंक का टेक्निकल चार्ट, 1 डे चार्ट है ये, जिसका मतलब है कि एक कैंडलस्टिक 1 डे का है। इसमें अगर आप देखें तो 49.46 पे है इसका रेजिस्टेंस। जब तक वो ब्रीच नहीं होता तब तक आईडीबीआई बैंक में निवेश ना करें, क्योंकि वो ऊपर जाके अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस से नीचे आ जाता वापस, तो फिर डाउनसाइड ओपन ही है। उसी जगह पर अगर मैं बात करूँ वीकली चार्ट्स की, तो वो भी नेगेटिव। 57.60 है नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल फॉर आईडीबीआई बैंक। मंथली चार्ट पिछले महीने नेगेटिव हुआ है और इसकी वजह से 83.33 पे है इसका रेजिस्टेंस। जैसा कि हमने देखा 1 डे चार्ट पे 49 के आसपास है इसका रेजिस्टेंस। यही वो लेवल्स है जहाँ से ये बार बार बाउंस हो रहा था और ऊपर की तरफ जा रहा था, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियर ब्रेक किया है उस सपोर्ट को और नीचे की तरफ आया है। दोबारा यहाँ पे एक बार ट्राई किया था ऊपर जाने का, पर वापस नीचे। तो अभी डाउन साइड ओपन है। एमएससीडी में भी प्योर इंडिकेशन नहीं है कि पॉजिटिव मूव देगा वीकली चार्ट्स पर, और वॉल्यूम भी काफ़ी सोल्ड आउट इंडिकेट कर रहे हैं, तो अभी इस स्टॉक से दूर रहें। 49 के ऊपर अगर ये थोड़ा सपोर्ट लेता है तब इसमें निवेश करें, नीचे की तरफ अभी भी डाउनसाइड ओपन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।